अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर आप सबके साथ शेयर करूंगी वेज रोल। बहुत सिंपल और क्विक रेसिपी है, बच्चों को ये बहुत पसंद आती है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। सबसे पहले हम यहाँ ले लेंगे 2 कप मैदा। इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह से गूंद लेंगे, जैसे रोटी चपाती का आटा गूंदते हैं हम लोग, उस तरह से एक नरम मुलायम सा डो तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छे से लचीला डो तैयार हो गया है। आप इसको पूरी तरीके से आटे में बना सकते हैं, पूरे तरीके से मैदे में भी बना सकते हैं, या फिर मिक्स करके भी बना सकते हैं। अब हम इसमें लगा देंगे देसी घी तकरीबन 1 टीस्पून इस तरह से, क्योंकि अंदर से डाल देते तो आटा खस्ता बन जाता, यानी जो हम पराठे बनाएंगे वो खस्ते बनते। और इस तरह से ऊपर से हम लगा देंगे तो नरम और मुलायम बनेंगे। तो इस तरह से मैंने मिक्स कर दिया है, पूरे घी को अच्छे से लगा दिया है। अब इसको हम रख देंगे ढक के 10 मिनट के लिए रेस्टिंग के लिए। अब इधर आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इधर मैंने पैन ले लिया है, फ्लेम को ऑन कर लिया है। 2 टेबल स्पून डाल देंगे इसमें ऑयल। तो सबसे पहले डालेंगे हम इसमें 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया है जिंजर गार्लिक ग्रेट किया हुआ, 3 से 4 हरी मिर्च, ये भी मैंने बारीक काट लिया है। तो इसको थोड़ा सा सौते करेंगे इसलिए कि इसकी कच्ची स्मेल खत्म हो जाए लहसुन अदरक की। और इसी के साथ डालेंगे 1 शिमला मिर्च स्लाइस में कटा हुआ, 2 गाजर स्लाइस में कटी हुई, 1/2 कप पत्ता गोभी। हाई फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे, बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे, इतना फ्राई करेंगे थोड़ा सा इसका कच्चापन खत्म हो जाए और क्रंचनेस बरकरार रहे। और इसी के साथ शामिल करेंगे प्याज, 1 दरमियाने साइज की प्याज, ये भी स्लाइस में कटी हुई। तो सारी सब्जियों को फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पे। इसी सब्जी में हम शामिल करेंगे नमक, तो 1/2 टीस्पून है ये नमक, थोड़ा सा इनको फ्राई कर लेंगे ताकि थोड़ी सी सब्जियां सॉफ्ट हो जाए। बस सब्जियों को लिड से कवर नहीं करना है, यानी पकाना नहीं है ढक के। तो मैंने अच्छे से इनको फ्राई कर लिया है, फ्लेम ऑफ कर देंगे, इनको एक साइड रख देंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से फूल गया है। तो थोड़ा सा हम और पंच लगाएंगे, पंच मैंने लगा लिया है। अब हम ले लेंगे लोई, जैसे हम रोटियां बनाते हैं उतनी बड़ी हम लोई ले लेंगे। साइज देखिए आप, फ्लावर डस्ट डालेंगे रोटी मैट पे, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेंगे, गोला कर लेंगे, जैसे हम रोटी बनाते हैं उस तरह से इसको बेल लेना है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, बस इस तरह से बेलना है। जितने भी आपको वेजेज रोल बनाने हैं उतनी रोटियां आप बेल के रख लीजिए। इस तरह से 6 रोटियां बना ली हैं, अब चलते हैं इनको पकाने के प्रोसेस में। तो इधर मैंने पैन ले लिया है और पैन को मैंने हाई हीट पे गरम कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे रोटी, थोड़ी देर के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। चलिए इसकी साइड चेंज करते हैं। साइड मैंने चेंज कर दी है, इधर भी थोड़ा सा हम पकने देंगे। फ्लेम को मीडियम पे रखिएगा, हाई पे न रखिएगा। तो इस तरह से इसकी साइड भी मैंने पलट दी। अब इसमें हम डालेंगे तेल या घी, अप्लाई करते हुए पका लीजिएगा। इधर भी डाल देंगे, तो अलट पलट के इस तरह से हम रोटी तैयार कर लेंगे। ये देखिए रोटी हमारी तैयार हो गई है। इस तरह से हम निकाल लेंगे और सारी रोटियां इस तरह से हम पका लेंगे। रोटियां भी बनके रेडी हो गई हैं और स्टफिंग भी हमारी ठंडी हो चुकी है। स्टफिंग में हम कुछ सॉसेस मिलाएंगे। इसमें हम 2 टेबल स्पून डालेंगे टोमेटो केचप, 1 टेबल स्पून डालेंगे ग्रीन चिली सॉस, अच्छे से मिला लेंगे। नमक हम नहीं डालेंगे क्योंकि नमक स्टफिंग में भी है और रोटियों में भी नमक है। दोनों सॉस मैंने अच्छे से मिला लिया है। तो चलते हैं अब हम वेजीज रोल बनाने के प्रोसेस में। तो इधर हम ले लेंगे रोटी और इस तरह से रोटी में लगा देंगे मेयोनीज। आप स्टफिंग में भी इसको ऐड कर सकते हैं, इसको डाल के और मिक्स कर लीजिएगा। इस तरह से हम इसमें स्टफिंग रखेंगे। और इधर मैंने ये बटर पेपर ले लिया है, बटर पेपर को इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पे रखिएगा और इस तरह से इसको रोल कर लीजिएगा। बटर पेपर पे रख के इस तरह से रोल कर देंगे। बहुत इजी है, बहुत आसान है बनाना। आप बच्चों को लंच बॉक्स में टिफिन में दे सकते हैं, रोटियां सौगी नहीं होंगी। पीछे से इस तरह से इसको पैक कर दीजिएगा ताकि स्टफिंग आपकी निकले नहीं। इसी तरीके से वेजिटेबल रोल्स बना के रख लीजिएगा। ये हमारा वेज रोल रेडी हो चुका है। आप इसे ऐसे ही खाएं या फिर टोमेटो सॉस के साथ। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को 1 टाइम सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।